हेलो, राम राम साथियों, मैं डॉक्टर संगीता दहिया रोहतक गेट पे भिवाणी खड़ी हुई हूँ और दादरी से मैं जाने लग रही थी, हिसार जा रही थी, मैं इलेक्शंस के लिए आई हुई हूँ जैसे कि आप सभी को पता है, और मैं अभी भिवानी में रोहतक गेट पे खड़ी हुई हूँ और रास्ते में मेरे साथ एक अपना भाई था जस्सी, उसने मेरे को ड्रॉप किया। मेरी गाड़ी हिसार खड़ी हुई है अपना सिसाई गांव में, सिसाई गांव के सरपंच बलबीर सियाग जी वहां पे, और मैं यहाँ से गुजर रही थी, रात हो गई थी, 12-1 बज गए थे। माँ भाई मैं होटल ले लूंगी, मैंने मेरे पार्टनर है उनको फोन किया, माँ आप होटल बुक करवा दिए जी, फैक्ट्री जो उन्होंने होटल बुक करवाया। मैं होटल में आई, मेरे को होटल अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा कि भाई मेरे लेवल का नहीं, अजीब सा होटल था। मैं नीचे उतर आई और मैं नीचे उतर के आई तो दो लड़के ने सरिया मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की, होटल का ओनर है। मैं कहा भैया मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं जा रही हूँ, मेरे सरिया मेरे कपड़े फाड़ दिए, मतलब मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। उसके बाद मैंने पुलिस वाले सामने पीसीआर खड़ी थी भिवानी में, पीसीआर वालों को बोला, चार पीसी लड़के पुलिस वाले यहाँ पे खड़े थे, पुलिस वालों के आगे होटल का मालिक या जो भी यहाँ पे काम करता है, जो भी बंदा था, वो यहाँ से मेरे आगे अपनी स्कूटी लेके पुलिस वालों के आगे चला जाता है और पुलिस वालों ने उसके पकड़ने तक की कोशिश नहीं की। छोटी बात नहीं है ना भाइयों ये कि कोई सरेआम किसी लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश करेगा, इतनी बदतमीजी करेगा, और पुलिस प्रशासन के आगे वो बंदा ऐसे भाग जाएगा। होटल में सीसीटीवी फुटेज एक मिनट रुक जाओ। उसके बाद पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं इतनी देर से इन लोगों को एक बात कहने लग रही हूँ कि इस होटल के मालिक को कॉल करो, सीसीटीवी फुटेज यहाँ की देखिए, पिछले आधे घंटे से ये कह रहे हैं एफआईआर लिखवाओ। मैं इतने बड़े बाप का बेटा है होटल वाला, यो नुका मेरे मंत्रियां गला लिंक इसके अंदर होटल में जावे, जब हरियाणा के सारे मंत्रियों के साथ इनके फोटो हैं, ये कह रहे हैं कि हम अथारा मारे तो बाल निपाटन तो नुह छोरियां छेड़ांगे, ठीक है भाईयो, तो नुह छेड़ेंगे तो थारी बहन खड़ी हाड़ के करना चाहिए, तुम तय कर लो और सारे के सारे मैंने बता दो इन गला के करना है। ये पुलिस खड़ी है सारे लाइन में और इनके पुलिस वालों के आगे वो बंदा यहाँ से भाग गया, और ये होटल है भिवाड़ी में, गॉड गेस्ट हाउस है। अब तुम समझ जाओ भाई और हादसा क्या थी यार, क्या थी, नहीं होना चाहिए। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी ज़ैबिनुल्लाह सलाम। साथियों कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज इस वीडियो में आप लोग को बताने के लिए आया हूँ कि एक जगह पे एक महिला रहती है और जो कि वो कहीं से आती है और आने के बाद साथियों वो होटल में जाती है और होटल में जाने के बाद उसको रूम नहीं पसंद आता है, रूम से नीचे आती है और वहीं पर दो दबंग खड़े रहते हैं और वो दबंग उस महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, उसके कपड़े को फाड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो महिला पुलिस वालों के वो चिल्लाती है, चीखती है, पुलिस वाले वहीं पर खड़े रहते हैं और उन लोगों के सामने ही वो जो दोषी रहते हैं जो उस महिला के साथ अत्याचार करने की कोशिश करते हैं वो लोग पुलिस वाले के सामने ही निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले इसमें थोड़ा सा भी कोई कदम नहीं उठाते हैं। ये पता नहीं किस समाज की लड़की है, ये पता नहीं किस समाज की ये बहन है, मुझे इससे मतलब नहीं है। देखिए औरतों की कोई जात नहीं है, मेरा काम है आवाज को उठाना, ये काम मीडिया वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए जहां पर पुलिस वालों के जस्ट सामने मुजरिम फरार होता है, दोषी उन्हीं के सामने से ही गुजर जाता है, लेकिन पुलिस वाले थोड़ा सा भी एक्शन नहीं लेते हैं उसको पकड़ने के लिए। क्या हमारे देश के अंदर महिलाओं की इतनी महत्व रह गई है कि कोई लोग इतनी मतलब स्थल पर गिर चुकी है? हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं, पूरे भारतवर्ष की जो बहन बेटियां, उनकी इज्जत और मान सम्मान इस तरीके से गिर चुका है कि पुलिस वालों के सामने दो दबंग उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके कपड़े को फाड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हीं के सामने पुलिस वाले खड़े रहते हैं और थोड़ा सा भी एक्शन नहीं लेते हैं। क्या यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज सरेआम भारत की बेटियों का अपमान हो रहा है और पुलिस वाले जो कानून के जो रखवाले हैं, जो न्याय हर किसी को दिलाते हैं, आज वो दबंगों को खुला छूट दे रखे हैं। मैं सभी पुलिस वालों की नहीं बात कर रहा हूं, ऐसे लोग जो गिने चुने हैं जिनके सामने से मुजरिम फरार होता है और जो लोग रहते हैं वो लोग फरार हो जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं।
तो ये है हालत साथियों हमारे भारतवर्ष की। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा साथियों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस बहन की जो आवाज जो दबी है और वो इसे न्याय मिल सके। और ये बिल्कुल ये साथियों ये गलत है, जो भी इस तरीके से काम किए हैं वो लोग एकदम बिल्कुल निश्चित तौर पे वो लोग गलत है और उनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था कि इस बहन की आवाज दबनी नहीं चाहिए, ये आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा साथियों। इस आवाज को आप लोग उठाएं और जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आज उस बहन के साथ हुआ, कल हो सकता है हमारे भी घर की बहन बेटियों के साथ इस तरीके से अत्याचार हो सकता है, आपके भी घर के बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो सकता है, हर किसी के साथ इस तरीके से अत्याचार हो सकता है। और पुलिस वाले ऐसे ही खड़े रहेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है साथियों, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और इसलिए शेयर करें कि ताकि इस बहन को न्याय मिल सके। तो सभी को मेरा जय भीम नीला सलाम।